चलो आज स्टार्ट करते हैं ये क्लास 10 लेक्चर नंबर 8 होगा ना आज, आठवां क्लास है लाइट का। पिछले दिन हम लोग रे डायग्राम पढ़े थे या रूल्स ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ इमेज के बारे में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मेशंस ऑफ इमेज के बारे में भी दो केस देख चुके थे, ठीक है। फॉर्मेशंस ऑफ इमेज के बारे में बताए थे कॉनकेव मिरर के लिए, कौन से मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, हम 6 केस बन रहा था, उसमें से 2 केस कल पढ़ चुके थे। यहाँ पे पोल है, पहला ऑब्जेक्ट रखे थे पोल और फोकस के बीच, कहाँ रखे थे, फर्स्ट केस पोल और फोकस, दूसरा फोकस और फोकस के ऊपर, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पांचवा कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में, और छठा कहाँ होगा, इन्फिनाइट पे कहीं, ठीक है। इस तरह से टोटल कितना केस बना था, 6 केस बना था, ठीक है। 6 केस में हमने फर्स्ट केस और सेकंड केस कल देख चुके थे, ठीक है। आज हम तक चलते हैं थर्ड केस पे, ठीक। थर्ड केस, केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, हेडिंग दीजिए केस नंबर 3। केस नंबर थर्ड क्या कहता है, केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसका इमेज कैसा बनेगा, ठीक है, उसका इमेज कैसा बनेगा उसको देखते हैं। चलो फिगर बनाते हैं, पहले बना एक कॉनकेव मिरर, बस वही रूल्स को फॉलो करना है, 2 रे डायग्राम इसमें पुट कर देना है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल आपका, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहाँ रखे हैं, इसके बीच में। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी, सेम कलर केस करना है, 2 रे डायग्राम इस पे क्या करना है, पुट करना है। पहला रे डायग्राम बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना लेना, और जो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए और वह कहां से पास किया, फोकस से, ठीक है। दूसरा आप ले सकते हो कहां से, डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हो, या नहीं तो हम क्या करेंगे, फोकस से भी ले सकते हैं या पोल से भी ला सकते हैं, ठीक है, तीनों में से कहीं ले सकते हो। चलो पोल से ही लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहां से ले जाएंगे पोल पर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहां से ले गए पोल पे, जितना एंगल से पोल पे आएगा उतना ही एंगल से वह वहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो ये कहां बन रहा है इमेज, यहां जहां मीट कर रहा है वहां इमेज बन रहा है, ठीक है, जहां मीट कर रहा है वही क्या बनेगा, इमेज बनेगा। देखो यहां कहां से बन रहा है, यहां पे इमेज बन रहा है, ये इमेज बन गया आपका, ठीक है। यहां पे ए बी ऑब्जेक्ट था और इमेज क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। रे डायग्राम में क्या देना है, एरो देना नेसेसरी है, तब पता चलेगा किधर से आया किधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों मीट कर रहा है तो यहाँ पे उसका क्या बन गया, ए डैश बी डैश इमेज बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ए डैश बी डैश इमेज बन गया। यहाँ लिखेंगे देन देयर इमेज इज फॉर्म, यहाँ पे क्या करेंगे, एरो दे देंगे और उसके बाद नंबर 1 लिखेंगे, जैसे लिखते थे पहला क्या लिखते थे, प्लेस में हम लोग क्या लिखते थे, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो लिखेंगे प्लेस में इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर
एंड इनफिनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच में पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफिनाइट। दूसरा क्या लिखते थे, नेचर ऑफ इमेज, दूसरा लिखते थे नेचर, इमेज का नेचर कैसा बनेगा। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, कहा बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो स्वाभाविक है वह कैसा होगा, रियल इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, रियल। अगर रियल है, कैसा है, रियल है, तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। देखो यहाँ ए बी ऐसे था, यहाँ ए बी ऐसे हो गया, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या था, ए बी, यहाँ ऐसे करा था, यहाँ ए बी कैसे हो गया, ऐसे हो गया, उल्टा हो गया जस्ट, ठीक है, इन्वर्टेड हो जाता है। तीसरा इसमें क्या देखना है आपको, तीसरा क्या देखते थे, साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज की बात करो तो साइज इसका क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, इनलार्ज, इनलार्ज और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से केस नंबर थर्ड क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर फोर। केस नंबर फोर क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ प्लेस में क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रख डालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ब्रैकेट में सिर्फ कैपिटल सी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, कैपिटल सी। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसका, मिरर बनाए, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, यहां पे इसका पोल हो गया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो एक्यूरेट तो आएगा नहीं, थोड़ा सा कंडीशंस है, इसका जो है ना इमेज याद रख लेना, इसका इमेज जो फॉर्म होगा ना इसी प्लेस पे होगा, ठीक है, और सेम साइज का होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही इमेज बनेगा। तो क्या करना, जितना इधर है उतना बड़ा ही नीचे काट देना, ठीक है, मतलब यहाँ पे मीट करना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक। तो पहला काम क्या करना है, इससे दो रे डायग्राम लेना है, पहला रे डायग्राम यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले जाएं, ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, और वह कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट बैक होके कहां जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, फोकस से ले लो, कहां से आएगा, यहां से क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, ये हो गया, एक आ रहा है फोकस से, दूसरा आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दोनों मीट कहां कर रहा है, इस पॉइंट पे। ये था ए बी, इसका क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज कहां बन गया, ए डैश बी डैश, उसी प्लेस पे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसका इमेज भी वही ड्रॉ हो जाता है, सेम साइज का, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं, देन देयर इमेज इज फॉर्म, देन देयर इमेज इज फॉर्म फॉर्म, जैसे पहले लिखते थे, पहला क्या लिखते थे, प्लेस, प्लेस क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ कर्वेचर, फैन ऑफ कर दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या है, नेचर, क्या है नेचर। नेचर में हम लोग क्या देखेंगे, अब देखो जी बताए थे जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, कहां बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर कैसा इमेज बनता है, रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। केस नंबर थ्री, सॉरी इसमें प्रॉपर्टीज नंबर थ्री, थ्री में क्या लिखते थे हम लोग, साइज लिखते थे, ठीक है, इमेज का साइज कैसा बनता है। तो इमेज का साइज जो बनेगा ना, वह सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बन जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, तीन के मतलब ये कौन सा केस था, ये फोर्थ केस था, ये फोर्थ केस, ठीक है। केस नंबर फोर क्या था, ऑब्जेक्ट को कहां रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसका इमेज कहां बना, जस्ट अपोजिट। ये केस इंपोर्टेंट है, और पहला केस जो बताए थे दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों में वीवीआई मार देना, ठीक है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनता है, पहला केस और ये फोर्थ केस, दोनों से इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो हर एक से बनता है, लेकिन ज्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन इस दोनों से बनता है, ठीक है। इसमें पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कैसे, देखो बोल देगा क्या, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को प्लेस किए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, और इमेज का हाइट है 2 सेंटीमीटर, सॉरी ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो इमेज का हाइट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम साइज ऑफ जितना ऑब्जेक्ट, जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहता है उतना इमेज बनता है, तो इमेज बनता है तो वह भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, वहाँ एच आई हो जाता है, HO इक्वल टू एच आई हो जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन ये कॉनकेव मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसका क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्मेशंस का रे डायग्राम बनाना है, और उसका प्रॉपर्टीज लिखना है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एक कॉनकेव मिरर है, उसके 2F पे क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट को रखे हैं, एक कॉनकेव मिरर है उसके 2F पे एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, इमेज डिस्टेंस कितना होगा, टू एफ ही हो जाएगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस से बन रहा है, 2F क्यों कहते हैं, ये इतना डिस्टेंस F, ये भी F, F पे F मिलके 2F, जितना उसका क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, उतना ही उसका इमेज डिस्टेंस होगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जब करवाने लगेंगे तब इस टाइप का कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, अभी लिख लीजिए, ठीक है। हमको देना पड़ जाएगा, मेरे हाथ से नहीं टूटे, आइटम आगे गलती नहीं है, अच्छा ठीक साहब, चल केस नंबर 4 हो गया। केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसमें बिटवीन जाएगा, कहां जाएगा बिटवीन, इधर से आ रहे थे पहले पोल और फोकस के बीच में, दूसरा पोल पे, दूसरा फोकस पे, तीसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, चौथा कहां आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पांचवा देखो, पांचवा कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच में, कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफिनाइट के बीच। When object is placed between center of curvature and infinite, object को कहां रख रहे हैं, center of curvature और infinite, ठीक है, फिर से बनाते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज कर दो, चलो देखते हैं, एक इमेज ड्रॉ करते हैं, सर मार्कर का स्थिति भाई, ये क्या है, कॉनकेव मिरर, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच में, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। चल इससे दो रे ऑफ लाइट लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लो, जो कहां से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो,
ये गया और इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जहां कट किया वहीं पे इमेज बन जाएगा, ये बन गया ए डैश बी डैश, इमेज बन गया, ठीक है। ये हो गया रे डायग्राम हो गया, फोकस के बीच में, हाँ सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बन जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे देन देयर, देन देयर इमेज इज फॉर्म, पहला क्या लिखेंगे प्लेस, जैसे लिखते आ रहे हैं, पहला प्लेस, प्लेस कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। दूसरा क्या लिखते थे नेचर, नेचर क्या हो जाएगा इसका, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो कैसा होगा, रियल ही होगा और इन्वर्टेड होगा, क्या होगा इन्वर्टेड। तीसरा क्या है आपका साइज, साइज इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड या लिखते हैं और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या बनता है छोटा बनता है, डिमिनिश्ड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा। इस तरह से ये केस फाइव हो गया, फिफ्थ केस हो गया, सिक्स केस है क्या, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे इनफिनाइट पे, पहले इसको राइट डाउन करो फिर इलिमिनेट करते हैं फिर सिक्स पे चलते हैं। गवर्नमेंट को बच्चा होता था ठीक है उसको दो थप्पड़ दे देते थे, उस समय नहीं रोता था एकदम बड़ा हंस रहा था, सर बच्चा के पुराने मजा आता सर, सुनिए आपका केस नंबर सिक्स, केस नंबर सिक्स में क्या करते हैं, ये लास्ट है कॉनकेव मिरर का लास्ट है, कॉनकेव मिरर में केस नंबर सिक्स जो है वह क्या हो जाएगा, केस नंबर सिक्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफिनाइट, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं ठीक है, कहाँ रखेंगे इनफाइनाइट पे, ठीक है। चलो इसमें इमेज करते हैं, चलो इमेज ड्रॉ करते हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले एक मिरर बनाएंगे, उधर कहीं चलता ही नहीं ये क्या है इसका पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो आप इनफिनाइट पे है वहां से लाइट लाने में क्या हो जाएगा पता नहीं चलता है, क्या हुआ जब दिखेगा ही नहीं तो वहां से रे ऑफ लाइट कैसा ला होगी, किसी भी तरह के ला सकते हैं, ठीक है। मान लो इसमें से क्या आ रहा है, जनरली जो है ना कहीं कहीं बुक अलग अलग बुक में जो है अलग अलग टाइप का फिगर मिलेगा इसमें, ठीक है। कहीं कहीं बुक में जाकर डायरेक्ट यहाँ से पैरेलल लेगा और फोकस पे आके मिला देगा सबको, सबको क्या करेगा डायरेक्ट यहाँ पैरेलल लेगा फोकस पे आके मिला देगा, ठीक है। तीन चार रे वहां से ले लेगा सारा पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा, ठीक। कहीं कहीं बुक में आपको ऐसा भी देखने मिलेगा फिगर इसका, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस पे क्या रहेगा इंक्लाइंड रहेगा, यहां से रिफ्लेक्शन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए पास करेगा,
ठीक यहाँ से इंक्लाइंड आ रहा है पैरेलल, ठीक है। इसमें रे डायग्राम नहीं बना है, इसमें रे डायग्राम के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। इसमें सब पैरेलल आ रहा था, फोकस पे जाके मिल रहा था, यहाँ पे बन जाता है। इसमें क्या लिए, तीन रे ले लिए इंक्लाइंड, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सब कहाँ पे मिल रहा है, फोकस के जस्ट नीचे। कहाँ मिल रहा है, फोकस के जस्ट नीचे बन रहा है, ठीक है। तो इमेज कैसा बन रहा है, दोनों में से कोई फिगर बना सकते हो आप, सही है दोनों सही, ठीक है। तो कैसा इमेज बन रहा है, इमेज इन फॉर्म प्लेस क्या होगा, प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट फोकस, फोकस पर। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। और इसका साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड और वेरी वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसे ब्लू से लिखना ही नहीं चाहिए था, दिखने का स्मॉलर देन द ब्लैक मीनिंग के लिए। ठीक है, क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड और वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इस तरह से कॉनकेव का जो है ना इमेज फॉर्मेशन का ऑल केस खत्म हो गया कॉनकेव का, ठीक है। सारा का सारा क्या हो गया, खत्म हो गया कॉनकेव मिरर का, ठीक है। दूसरा है इसके बाद कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर के बारे में रे डायग्राम भी देखना है, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन भी देखना है। तो उसका एक लेक्चर में जो है ना कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसमें जो है ना जैसे इसमें 6 केस था ना, कॉन्वेक्स में ओनली 2 केस बनेगा, ठीक है। इसमें 6 केस था उसमें 2 केस बनेगा, लेकिन रे डायग्राम का उसमें भी तुम आपको जो है ना चार रूल्स देखने को मिल जाएगा। रे डायग्राम सेम इसी की तरह होता है एज इट इज। चलो कर ही देते हैं उसको, 5 मिनट इसको लिख दिया, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर का 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। कौन सा, इसमें क्या देखो, इमेज फोकस पे बन रहा है, यहाँ फोकस पे, ये आपका फोकस है, यही उसका इमेज ड्रॉ हो रहा है, सब सारा रे वहीं पे जाके मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे इमेज का फॉर्म हो रहा है। नहीं इसमें जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास करवाओ, क्योंकि इनफिनाइट में ऑब्जेक्ट रखा होगा, इनफिनाइट से कैसे लाइट को लाओगे, तो पहले ये बताओ, पहले ये बताओ ना इनफिनाइट को ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हो, दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा, कहाँ से पैरेलल आ रहा है, मान एक जूम कर लिए यहाँ ऐसे ये ले लिए सारा कहीं से किसी तरह, दिमाग नहीं खराब करो, समझा, ये सब डाउट क्या रह जाता है, फालतू का कभी आके कर रहा, जब इमेज ऑब्जेक्ट देखिए रहा है तो वहां से कैसे रे ऑफ लाइट लाएगा, तो ये एक जूम कर दिए कि सारा वहां से पैरेलल लाइट आ रहा है, डेढ़ नहीं कर सकते सर, एक जूम करेगा कर दो यहां से, इसी के पैरेलल आ, ये पैरेलल है ना, इसी के पैरेलल फोकस से आ रहा है, ठीक है, ये वैसे से पास करेगा, ये भी यही काट दिया, बात खत्म, कर दो एक जूम, इसी के पैरेलल ये लाइट रे है ना, इसी के पैरेलल लाइट रे आया जो फोकस से आया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, ये इसी बात पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी कर दो एक जूम करना है, बनाएगा बना लो क्या दिक्कत, चल आगे हेडिंग दो, तुम रोज दिमाग खराब कर देता, छोड़ दीजिए करके, ठीक है, एक दिन कूट देगा नहीं तो भगा देंगे, दुनिया भर का काम है, बाल बच्चे दार दे, यहाँ जाकर बच्चा पिलाएगा,
क्या है यहाँ पे? कॉनवेक्स मिरर। कॉनवेक्स मिरर पहले देखना है रे डायग्राम। तो जस्ट कॉनकेव मिरर में जैसे पढ़े थे रे डायग्राम, जस्ट उसी के तरह है, ठीक है, सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे, डायरेक्ट आपको फिगर से समझा देते हैं, आप लैंग्वेज घर में लिख लेना, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, एक कॉनकेव मिरर बनाओ, कॉन्वेक्स मिरर ना, अब कॉन्वेक्स मिरर बनाना, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये इधर से पेंट किए, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना है, यहाँ पर आपका पोल है, यहाँ क्या है फोकस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ गैरेंस है। तो पहला इसका रूल से है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आएगा वह आपको फील होगा फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इमेजिंग कर सकते हो ऐसा, वह फोकस से आ रहा है, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया बात, ये रूल नंबर टू, सेम बात है। रूल नंबर टू क्या है, ये आपका पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है ना आपको अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, वह जो रिफ्लेक्ट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट कन्वर्ज, फर्स्ट का जस्ट कन्वर्ज, ये भी उसमें क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा, वह फोकस से रिफ्लेक्ट करता हुआ प्रतीत होगा, इमेजिंस होगा, ठीक है। दूसरा फोकस की तरफ आ रहा था, वह रिफ्लेक्ट बैक हो के कहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। रूल नंबर थ्री, चार गो है, जैसे उसमें कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में था ना, उसी तरह चार गो इसमें भी है, ये डायग्राम है, इमेज फॉर्मेशंस नहीं है। चल इसमें क्या बनाएंगे, तीसरा, तीसरा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक रे ऑफ लाइट जो है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, वह क्या होगा उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और रूल नंबर फोर और लास्ट रे डायग्राम, ये आपका कॉन्वेक्स रे, इसमें क्या करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम जैसे उसमें था, यहां भी पोल पर आएगा तो जितना एंगल से आएगा उतना से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सेम होगा, जितना यहाँ टीटा होगा उतना टीटा होगा, सेम, सारा चीज सेम है। एक उसमें सिर्फ क्या कर रहा, हर एक में कट कर रहा था, इसमें कट नहीं कर रहा, हर एक जगह से पूरा चीज में फील हो रहा, इसमें क्या हो रहा, बिहाइंड द मिरर फील होता है, ठीक है। चलो जल्दी ड्रॉ कर दो, फिर दो ही है उसमें, एक केस है दो, वो भी कर देते हैं जल्दी। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज फॉर्मेशन किसमें देखना है, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। इसमें दो ही केस होता है, देखो यहाँ पे कैसे केस बनाएंगे, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पेंट कर दो, बात मत करो मैं, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो फिगर बनेगा ही नहीं, बनेगा क्या, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है उसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखना पड़ता है, कहाँ रखना पड़ता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने रखना पड़ता है। ये मिरर के सामने ये कहाँ रखेंगे, पोल और इन्फिनाइट के बीच में, ये कहाँ रखेंगे, यहाँ मान लो इन्फिनाइट है, इसके बीच में रखेंगे एक केस, पहला केस, और दूसरा इन्फिनाइट पे रखेंगे, यही दो ही केस बनता है, इससे ज्यादा केस ही नहीं बनता इसमें, ठीक है, दो ही केस बनता है, इसको लिख लो जैसे, फिर इसको एलिवेट करते हैं, हो गया, चलो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट, पोल और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहां पे रखते हैं, यहां से दो रे डायग्राम बनाएंगे, सेम काम करना, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए बी, बात मत करो, एक क्या लेंगे पैरेलल लेंगे,
ठीक है, जो कहां से पास करेगी फोकस से रिफ्लेक्ट करते हुए, ये लगेगा इधर से, ठीक है। दूसरा यहां से ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये इधर जा रहा है इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन पी लोगा कि इधर से आ रहा है, ठीक है। जहां पे दोनों एक दूसरे काटा वही पी इमेज बन जाता है, ए डैश बी डैश दोनों को लिए। एक देखो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए, जो इधर रिफ्लेक्ट हुआ इधर रिफ्लेक्ट हुआ इस साइड रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ भी बोलते रहता है। दूसरा चीज यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लिए, जो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन पी लोगा इधर से आ रहा है, ठीक है। दोनों रे जहाँ पे मीट करता हुआ पी लोगा मतलब क्या होगा अपीयर्स होगा, वहीं पे उसका क्या बन जाएगा इमेज बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देन देयर इमेज इज फॉर्म, देन देयर इमेज इज फॉर्म, पहला प्लेस, प्लेस क्या हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पहला प्लेस क्या हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, दूसरा नेचर, बिहाइंड द मिरर लिख सकते हो बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर क्या हो जाएगा वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल ही होगा, वर्चुअल एंड इसका वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही होगा। तीसरा क्या लिखते थे साइज, डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। चल हो गया ये राइट ऑन दिस। केस नंबर टू, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुए हैं इनफाइनाइट पे, ठीक है, कहाँ रखे हुए हैं इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे रखे हुए इसका इमेज ड्रॉ कैसे होगा देख। बनाएंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, थोड़ा और बड़ा करो, ये सेंटर ऑफ कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो दो रे ऑफ लाइट लेंगे, एक क्या करो डायरेक्ट ले लो, वो कैसा रिफ्लेक्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, एक पोल पे ले लो, ठीक, दूसरा ऐसे ले लो, ठीक है। तो ये क्या लगेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इधर जाएगा, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और ये क्या होगा छोटा सा एंगल से क्या हो गया, ये मैं पीछे से आता हूँ, ठीक। ये पोल वाला रोल अप्लाई करेगा, ये पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल है तो कहाँ से ये उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये भी क्या फील होगा पीछे कहीं से आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे काटेगा वहीं फोकस होगा, जहां पे काटेगा वहीं पे क्या होगा फोकस होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनाइट देन देयर इमेज इज फॉर्म, पहला प्लेस बिहाइंड द मिरर एट फोकस, एट फोकस, फोकस पे बनेगा। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, तीसरा हाईली डिमिनिश्ड होगा बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड और वेरी स्मॉलर, very smaller than the object। बस इस तरह से रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन दोनों खत्म होता है। कल इससे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और यूज करके, ठीक, हाँ ओके।